वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार से आ रही है, जहां शासकीय हॉस्टल में 20 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका उपचार बदनावर के अस्पताल में जारी है। छात्रों को ग्राम पंचायत कानवन के सरपंच भगवत सिंह व सचिव ईश्वर बोड़ाना ने छात्रों को तत्काल बदनावर ले जाने में मदद की। आशंका जताई जा रही है कि पीने के पानी की टंकी में कीटनाशक दवाई मिली हुई है। खैर, यह जांच का विषय है, लेकिन अभी बच्चों का प्राथमिक उपचार जारी है।